मानदेय के लिए ग्राम रोजगार सेवकों की बढ़ रही नाराजगी। आजमगढ़, मिर्जापुर और बहराइच समेत कई जिलों में प्रदर्शन। अश्विनी कुमार द्विवेदी गांव कनेक्शन से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित होने वाली विकास की योजनाओं में ग्राम रोजगार सेवक अहम कड़ी हैं, लेकिन पिछले कई हफ्तों से रोजगार सेवक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। रोजगार सेवकों का आरोप है कि कहीं एक साल से मानदेय नहीं मिला तो कहीं दो साल से। राजधानी लखनऊ की बीकेटी तहसील में पिछले दिनों सामूहिक इस्तीफा हुआ था तो बहराइच में ग्राम रोजगार सेवकों ने सीडीओ और मनरेगा समन्वयक को ज्ञापन दिया है। इन लोगों ने 5 फरवरी से विकास भवन में धरने का अल्टीमेटम दिया है, जबकि आजमगढ़ में परेशान युवकों ने डीएम से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सेवकों ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में मानदेय दिलाने की अपील की है। मिर्जापुर के ग्राम रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम खत लिखा है। लखनऊ जिले में ग्राम रोजगार सेवकों से सीधा वास्ता बनाए रखने वाले जिला समन्वयक मनरेगा राजमणि वर्मा बताते हैं कि विभागीय व्यस्तता के चलते अभी इन लोगों की शिकायतों की जांच नहीं हो पाई है। ये भी देखा जा रहा है कि ये जिलों में सभी का मानदेय बाकी है या फिर सिर्फ कुछ लोगों का। वहीं बहराइच में ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष पंकज मिश्रा गांव कनेक्शन को फोन कर के बताते हैं, जिले में 853 रोजगार सेवक हैं, जिनमें से किसी का 12 तो किसी का 20 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कंटेजेंसी के पैसे से अधिकारी गाड़ी का तेल और अन्य मदों पर खर्च कर रहे हैं। वो आगे बताते हैं, हम लोगों से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ शौचालय आदि की जियो फोन की टैगिंग से के लिए दबाव बनाया जाता है, जबकि अधिकांश ग्राम रोजगार सेवकों के पास एंड्रॉइड फोन तक नहीं है। पिछले दिनों हमारे प्रदर्शन के बाद जिले में कुछ लोगों को 1-2 महीने का पैसा मिला था। हमारी हालत बहुत दयनीय हो गई है। इस बारे में बात करने पर बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी श्री रामचंद्र बताते हैं, रोजगार सेवकों को मानदेय दिया जा रहा है। इनको मानदेय रोजगार सृजन के हिसाब से होता है, हालांकि उनका न्यूनतम मानदेय तय है, लेकिन लक्ष्य पूरा होने पर मानदेय मिलता है। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें जरूर मिल रहा होगा, जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं उनका काम पूरा नहीं होगा, इसलिए मानदेय नहीं मिल रहा होगा। नाम छापने की शर्त पर लखनऊ जनपद के प्रधान ने बताया, सरकार की गांव स्तर पर विकास की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें कमीशन ना चलता हो। ब्लॉक से होने वाले निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 8% कमीशन हो जाता है, जिसके बाद निर्माण कार्य में प्रधान को भी बचत चाहिए होती है। वही वजह है कि सरकार के मंशारूप गुणवत्ता कार्य गाँव में नहीं हो पाता है। जहाँ कहीं समस्या है जल्द सुलझाया जाए। प्रदेश में कई जनपदों में ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं को लेकर बात करने पर अपर आयुक्त मनरेगा ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश योगेश कुमार बताते हैं, ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय सीधा रोजगार सृजन पर निर्भर है। जितना काम होता है उसी के अनुरूप भुगतान होता है, जिसमें सीधे सीधे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और ग्राम रोजगार सेवक शामिल होते हैं। फिर भी जिलों में बोला गया है कि जहां कहीं समस्या है जल्द सुलझाया जाए। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए पिछले वर्ष के अनुपात में 1.5 गुना रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। अपर आयुक्त बताते हैं, ग्राम रोजगार सेवकों को मनरेगा और श्रम विभाग की कई लाभार्थी योजनाओं के लिए भी दिए जाने की कवायद जारी है। ग्राम रोजगार सेवक लगा रहे लखनऊ के चक्कर। अपनी मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवक संगठन के पदाधिकारी लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। आजमगढ़ में शनिवार को ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने 1,049 कर्मचारियों की तरफ से डीएम को मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह बताते हैं, करीब 14 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिसके चलते हमारी रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है। वहीं मिर्जापुर में भी रोजगार सेवकों ने प्रदर्शन किया। वहां उच्च अधिकारियों को भेजे अपने ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी मिलकर
मिलकर मनरेगा के अंतर्गत होने वाले विकास कार्य ठेकेदारी प्रथा से करा लेते हैं, फिर फर्जी मजदूरों की लिस्ट बनाकर मस्टोल बनवाने का रोजगार सेवकों पर दबाव डाला जाता है और मना करने पर नौकरी निकालने से धमकी दी जाती है। शिकायत करो तो वीडियो देते हैं धमकी। मिर्जापुर के ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष संजय सोनकर ने बताया, यह समस्या मिर्जापुर के 12 ब्लॉकों के 525 ग्राम रोजगार सेवकों की है। सीनियर अधिकारियों से शिकायत करो तो वीडियो धमकी देते हैं, हम लोग नाउम्मीदी हो गए हैं। वहीं मिर्जापुर ब्लॉक आजमगढ़ के खंड विकास अधिकारी रामचंद्र यादव ने कहा, गांव कनेक्शन से फोन करके कि कमीशन बाजी के आरोप निराधार हैं, इसकी जांच करा लीजिए। मानदेय इन लोगों का कितना बकाया है ये अभी नहीं पता है, यह अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा।